बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम डेव सी प्लस प्लस में जब कोडिंग करते हैं तो जब भी हम कोई न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एम्प्टी फाइल क्रिएट होती है और हमें उसके लिए कुछ कोड जो होता है वो तकरीबन हमें हर कोड के स्टार्ट में लिखना पड़ता है, वो स्निपेट ऑफ कोड जो है। लाइक जिस तरह हम यहाँ पर हेडर फाइल ऐड करते हैं, ठीक है, और मेन फंक्शन होता है, यहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस SDD लिखते हैं। ये जो कोड है ये हमें हर फाइल के स्टार्ट में ऐड करना पड़ता है, चाहे हम किसी भी प्रोग्राम के लिए कोडिंग करें, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, ये जो स्निपेट ऑफ कोड है ये हमारा कंपलसरी होता है। इसके अलावा आप फर्दर भी हम हेडर फाइल्स ऐड कर सकते हैं या और फंक्शंस भी हम अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं, लेकिन ये जो है हमारा एक फिक्स कोड है, बाई डिफ़ॉल्ट हमें हर प्रोग्राम में लिखना पड़ता है। तो अगर हम इस कोड को अपनी एक न्यू फाइल के साथ ऐड कर दें बाय डिफ़ॉल्ट, कि जब भी हम जिस तरह भी हमने ये न्यू फाइल ऐड की, यहाँ पे ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा हो, तो हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस तरह हमने ये कोड लिख लिया है, इंक्लूड हायर स्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस SDD, और ये मेन फंक्शन है हमारा। इसके अलावा और भी अगर कोई कोड आप इसमें ऐड करना चाहते हो जो कि आप लिखते हैं अपने बाई डिफॉल्ट ऐड करना हो आपने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस में यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे एडिटर ऑप्शंस ओपन करने के बाद यहाँ पे स्निपेट्स, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट सोर्स हमने यहाँ पे कोड में देना है। हम क्या करेंगे, ये जो कोड हमारा लिखा हुआ है ये हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको कॉपी कर लिया, अब दोबारा से उसी ऑप्शन में हम जाएंगे और ये डिफ़ॉल्ट सोर्स यहाँ पे हम अपना ये कोड पेस्ट कर देंगे। और साथ ही आपने क्या करना है, यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इंसर्ट द फॉलोइंग कोड इनटू एवरी न्यू एम्प्टी फाइल, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि ये जो स्निपेट ऑफ कोड है ये हर एम्प्टी फाइल जब आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हुआ हमें मिल जाएगा, ठीक है। हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमने इसको सेव किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम जब कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, जिस तरह अभी देखें ये मैंने न्यू फाइल कंट्रोल एन से न्यू फाइल क्रिएट की, मैं मज़ीद ऐड करता हूँ, ये देखें नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास फाइल क्रिएट हुई, तो हर फाइल के स्टार्ट में ये कोड हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाएगा। हम इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करके दोबारा से चेक कर लेते हैं। दोबारा हम डेव सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं, न्यू फाइल इसमें हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। न्यू फाइल हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, सोर्स फाइल, ठीक है, यहाँ फाइल से भी जाके न्यू सोर्स फाइल और कंट्रोल एन प्रेस करके भी, तो जिस तरह भी हम इसको ओपन करेंगे हमारे पास ये कोड जो बाई डिफ़ॉल्ट हम ऐड करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके अंदर फर्दर आप जो कोडिंग करना चाहते हो वो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।